नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं CS। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम। सिलेंडर विस्फोट में 8 झुलसे, कई दुकानें जलकर राख। सुपौल में निर्मली थाना क्षेत्र के निर्मली रेलवे स्टेशन परिसर के पास एक होटल में अचानक आग लग गई। आग में आधा दर्जन से अधिक अस्थायी दुकान जलकर राख हो गए, जबकि आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 8 लोग झुलस कर जख्मी हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर गई थी एक बच्चे की माँ, आशिक के साथ हुई फरार। बेतिया के सुप्रीमो रोड में एक महिला अपने पति के साथ ब्यूटी पार्लर गई थी। उसने अपने पति को पार्लर के बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा, खुद ब्यूटी पार्लर के अंदर चले गए। उसका पति काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन महिला उसे चकमा देकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। मामला नौतौन प्रखंड का बताया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर, अगले कुछ हफ्ते में वैक्सीन तैयार। वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद टीकाकरण शुरू। कोरोना संकट को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है और बताया है कि कुछ हफ्ते में ही वैक्सीन आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा है कि वैज्ञानिक को हरी झंडी के बाद टीकाकरण पर काम शुरू कर दिया जाएगा। आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल, डॉक्टरों से गाली गलौज कर बोले, जानते नहीं कौन हूँ, बर्बाद कर दूंगा। गोपालगंज जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव के बिगड़े बोल की वजह से डॉक्टरों ने काम काज ठप कर दिया और खूब बवाल काटा। हालांकि चिकित्सकों ने इमरजेंसी सेवा जारी रखी। लोजपा में विवाद गहराया, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को जेल भेजने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा करने वाले चिराग पासवान की झोपड़ी में खुद ही चिंगारी से आग लग गई है। अब तो लोजपा के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने चिराग पासवान पर 20 चुनाव में राजद कांग्रेस को फायदा पहुँचाने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। बिना मतदान के राज्यसभा जाएंगे सुशील कुमार मोदी, निर्दलीय उम्मीदवार श्याम नंद प्रसाद को नहीं मिले प्रस्ताव। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी अब तक एकमात्र उम्मीदवार बन गए हैं। उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार बने श्याम नंद प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है। प्रस्ताव का नाम नहीं होने की वजह से स्क्रूटनी ने श्याम नंद प्रसाद की उम्मीदवारी छीन ली है। पटना में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा, 10 पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिहार एसटीएफ ने हथियारों का जखीरा किया है बरामद। एसटीएफ की विशेष टीम एवं पटना पुलिस के सहयोग से 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार हथियार तस्करों के पास से देसी पिस्टल, 10 अर्ध निर्मित देसी पिस्टल, 14 मैगजीन, 20 और 5 जिंदा गोली बरामद किया गया है। पटना पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, कल होंगे बैठक में शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुंच गए हैं। वे राजेंद्र नगर स्थित संत कार्यालय विजय निकेतन में ठहरेंगे, जहां बिहार भाजपा के नेता उनसे मिलने जाएंगे। वे 2 दिन तक राजधानी में ही रहने वाले संत के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत के साथ आरएसएस के सर कार्यवाह भैया जी जोशी और सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले भी मौजूद रहेंगे। फिर मिले कोरोना के 619 नए मरीज, राज्य में 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 609 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 23,89,068 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,183 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं, जिसमें 7 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई।
खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।